नमस्कार दोस्तों, मैं लसित। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एल के वीडियोस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने जा रहा हूँ मेरा न्यू देसी मुर्गा फार्म, जो कि अभी मैं बहुत ही कम खर्चा में इसको तैयार किया। पूरे डिटेल में बताएंगे दोस्तों कि इसमें कितना खर्चा हुआ। चलो उससे पहले हम पूरे फार्म को देख लेते, उसके बाद वीडियो के अंत में देखेंगे किस में कितना खर्चा आया और कितना रुपए में पूरे फार्म तैयार हो गया। चलिए दोस्तों वीडियो को देख लेते। दोस्तों पूरे फार्म आप देख लिया होंगे, अब मैं बताएंगे कि कितना रुपये किस में खर्चा हुआ। दोस्तों पूरे फार्म बनाने में मेरे को 35 बम्बू की ज़रूरत पड़ी, जो एक बम्बू का रेट 110 रुपये, तो तेल हो गया 35 × 110 3850 रुपये। ये मेरा बम्बू में नंबर दो नेट में 3 रोल लाया था। एक रोल में 30 फीट का होता है, तो 3 रोल में मेरा एक रोल में 1200 रुपये का आया और 3 में 1200 × 3 ये था 3600 हो गया नेट में। नंबर तीन सेट लाया था मैंने 12 फुटी का दो बन, तो दो बन में एक बन में हो गया 3300 और दो बन में हो गया 6600। नंबर चार मिट्टी डाला था मैंने फार्मों में DI से, जो एक DI है 450 रुपये का और 3 DI के अंदर हो गया, तो तेल 1350 रुपये मिट्टी में। नंबर पाँच मजदूर, पूरे फार्म बनाने में मेरे को 30 मजदूर की ज़रूरत पड़ी, या कि 30 आदमी की, 30 आदमी एक दिन का 300 रुपये का उनका, और तो तेल 30 दिन में हो गया 9000 रुपये। और नंबर छः में है अदर, जो कि मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, जैसे तार की ज़रूरत पूरी फार्म बनाने में, बिजली का बोर्ड वगैरह
स्विच बोर्ड लगाने में जब ऑल टोटल सब मिलाकर खर्चा टोटल हुआ 3000 रुपये मैंने मान लिया, 3000 कर दिया टोटल हो गया हमारा 27,400 रुपये पूरे फार्म बनाने में खर्चा। और ये फार्म हो गया टोटल 20 फुट लंबाई और 12 फुट की चौड़ाई। दोस्तों इस फार्म की दोनों रूम में हम 300 से 400 तक देसी मुर्गी आराम से पाल सकता हूँ और सही इनकम निकाल सकता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।